हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन और ये आपकी क्विज क्लास 37 है। तो हम 2 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट की ईयर 2019 के क्वेश्चंस करेंगे और लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने और उसके बाद आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट जो है आपका वो दिया हुआ है कि मिडिल टर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन प्रीमिस। उसके बाद सेकेंड है आपका मिडिल टर्म शुड बी प्रेजेंट इन द कंक्लूजन। थर्ड है आपका बोथ प्रीमिस कैन बी पर्टिकुलर इन अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। एंड इसके बाद फोर्थ फोर्थ है आपका बोथ प्रीमिस कैन बी नेगेटिव इन अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया, फोर स्टेटमेंट्स मेंशन किया और उसके बाद इन स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि क्या वैलिड है। तो अगर हम मिडिल टर्म की बात करें तो मिडिल टर्म किसी भी दोनों में से किसी भी प्रीमिस में एटलीस्ट वन प्रीमिस में आना चाहिए। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो उसको हम मिडिल टर्म नहीं बोल सकते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, दैट इज ओनली ए। मिडिल टर्म की अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तो यहाँ पर आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और आपको बस इतना याद रखना है कि मिडिल टर्म दोनों में से किसी एक प्रीमिस में एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाकी इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं वो सारे इनकरेक्ट हैं और सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ए। तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी, यू शुड गो टू। ये इन्फ्रेंस जो है इसमें कौन सा फैलेसी लगा हुआ है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको फैलेसीज के काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए थे तो ये आप इजिली सॉल्व कर सकते थे। ये क्वेश्चन में आपका बोला हुआ है कि अगर सब लोग जा रहे हैं पार्टी में तो तुम्हें भी जाना चाहिए। ये किस तरीके की फैलेसी, यहाँ पर किस तरीके का आर्ग्यूमेंट किया गया है। तो राइट आंसर आपका होता है वन, दैट इज एड पॉपुलम। मैं एक बार आपको बता देती हूँ इन सब के बारे में, जितने भी ऑप्शंस में आपको फैलेसीज दी हैं तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। एड पॉपुलम का मतलब होता है, इसको हम बैंड वैगन भी बोलते हैं इस फैलेसी को। यहाँ पर बोलते हैं कि जो सब कर रहे हो वही आपको करना चाहिए। अगर इस तरीके का आर्ग्यूमेंट कहीं पर दिया हुआ है कि हर कोई यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपसे बोला, आप बोल रहे हो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कि हर कोई पोलो शर्ट पहन रहा है, मुझे भी पोलो टी शर्ट चाहिए। तो ऐसे में क्या है, आप यहाँ पर फैलेसी दे रहे हो कि क्योंकि सब कोई ऐसा कर रहा है इसलिए मुझे भी ऐसा करना है। तो इसको हम एड पॉपुलम या फिर बैंड वैगन फैलेसी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन का मतलब होता है कि जहां पर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का एक से ज्यादा जगह यूज किया जाए और एक से ज्यादा एक्सप्रेशन हो, मतलब एक वर्ड को हम कई ज्यादा एक्सप्रेशंस में यूज कर सकते हैं, उसका डिफरेंट टाइप का मल्टीपल सेंस निकल के आए, उसको हम इक्विवोकेशन बोलते हैं। तो ये ऑफकोर्स इक्विवोकेशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका एट वेरिक्यूंडियम। वेरिक्यूंडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मतलब होता है कि हम जब आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी, इसका एक और नाम होता है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी, और इसका पूरा नाम है आर्ग्यूमेंटम एट वेरिक्यूंडियम, ठीक है। और इसका जो फुल नेम है वो ये है, और इसका मतलब ये होता है कि जब हम सिर्फ इस बात का क्लेम करें कि चूंकि कोई अथॉरिटी ऐसा बोल रहा है, कोई एक्सपर्ट ऐसा बोल रहा है, तो इसका मतलब ये सही ही होगा, ये सत्य ही होगा, चाहे उसके लिए रिसर्च की जाए, चाहे उसको वैलिडेट किया जाए या नहीं किया जाए, चूंकि एक अथॉरिटी ऐसा बोल रहा है तो ये सच होगा। जैसे हमें पता है, अगर मैं आपको अभी रिसेंट का एक एग्जाम्पल दूँ तो WHO बोलता है कि कोरोना वायरस एयर में नहीं फैलता है, ये ट्रांसमिटेड फ्रॉम एयर नहीं है। तो इसको लेकर अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है, बट हम इसको इसलिए वैलिड मानते हैं क्योंकि एक अथॉरिटी, एक पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास जो एक्सपर्ट है वो ऐसा बोल रहा है, तो उसको हम सच मानते हैं। तो इस बेसिस पे अगर कभी भी कोई भी आपका आर्ग्यूमेंट किया जाता है तो उसको हम एड वेरिकुंडियम बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका एड इग्नोरटियम। अब इसका मतलब क्या है, इग्नोरटियम का मतलब ये है, इसको बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस और इनफॉर्मल लॉजिक भी बोलते हैं। यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ अभी तक फॉल्स नहीं प्रूफ की गई है तो वो ट्रू होगा, या कोई चीज़ अगर ट्रू नहीं की गई है प्रूफ तो वो फॉल्स होगी। जैसे हम बोलते हैं कि गॉड होता है, ठीक है, तो लोग इसको कह सकते हैं चूँकि किसी ने अभी तक इसको ये नहीं प्रूफ किया है कि गॉड नहीं होता है तो इसलिए गॉड होता है, ठीक है। जैसे भगवान नहीं होते हैं तो किसी ने अभी तक ये प्रूफ नहीं किया कि भगवान नहीं होते हैं तो इसका मतलब भगवान होते हैं। तो इस तरीके का जो आर्ग्यूमेंट किया जाता है उसको हम एड इग्नोरटियम बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस, या फिर इसको इनफॉर्मल
लॉजिक होता है ये काइंड ऑफ, इसको अपील टू इग्नोरेंस फेस का नाम दिया गया है। तो चूंकि कोई चीज़ सिद्ध नहीं की गई है तो वो अभी तक फॉल्स नहीं होगी, चूंकि वो सही नहीं है तो वो फॉल्स नहीं हो सकती है, चूंकि वो फॉल्स नहीं है तो वो अभी तक सही नहीं हो सकती है। इस तरीके का जब लॉजिक यूज़ करते हैं तो वो आपका एड इग्नोरेटियम में आता है। तो राइट आंसर इसका आपका फर्स्ट हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टिंक्शन बिटवीन लौकिक एंड अलौकिक इज मेड विद रेफरेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण। कौन से प्रमाण में लौकिक और अलौकिक वर्ड आता है आपका, और किस में हम इसको लौकिक अलौकिक का मतलब समझ सकते हैं। तो राइट आंसर है आपका परसेप्शन, दैट इज प्रत्यक्ष में। लौकिक अलौकिक दो तरीके के परसेप्शन होते हैं। लौकिक का मतलब होता है वो परसेप्शन जो साधारण हो, ठीक है। लौकिक, लौकिक मतलब इस वर्ड का हो गया, ठीक है, फ्रॉम दिस वर्ड। तो लौकिक का मतलब वो हुआ कि वो परसेप्शन जो आप अपने सेंसेस से कर सकते हैं, जैसे आप उसको देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको आप कहते हैं स्मेल कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपके सेंसेस, जो फाइव सेंसेस हैं हमारी, उनसे जो जो भी चीज़ें, जो परसेप्शन हम लगा सकते हैं, उनको हम लौकिक कहते हैं, क्योंकि वो इस वर्ड के होते हैं। अलौकिक परसेप्शन वो परसेप्शन होते हैं जो कि आपके बियॉन्ड दिस वर्ड है, मतलब वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं, बट हम उसको अपने सेंसेस से नहीं देख सकते, ना छू सकते हैं, ना उसको टच कर सकते हैं। तो ये आपके अलौकिक होते हैं, जो कि हम सेंस ऑर्गन्स से, जिनके बारे में परसीव करते हैं। मतलब आपको ऐसा बोला गया है कि स्नो जो है, स्नो और ठंडी होती है, ठीक है, या स्नो बहुत वो होता है, अगर आपने उसको टच नहीं किया है तो आप उसके बारे में सिर्फ फील कर सकते हो और उसके बारे में सोच सकते हो, तो वो अलौकिक परसेप्शन है आपकी। जब आप उसको टच करोगे, जब आप उसको फील करोगे, तो वो लौकिक परसेप्शन होगी। तो किसी चीज़ के बारे में अगर हम ये कोई चीज़ अगर ऐसा है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फाइव सेंसेस से टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारा जो जो नॉर्मल ऑर्गन्स हैं हमारे, वो आपके लौकिक हो गए। अगर हम किसी को अपनी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उससे प्रूव कर सकते हैं, तो वो आपके अलौकिक परसेप्शन होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर 3 होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फोर्थ है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। इनमें से कौन सा एक करेक्टरिस्टिक फीचर है आर्ग्यूमेंट का? तो राइट आंसर है आपका 1, दैट इज इट इज आइदर वैलिड और इनवैलिड। जब भी हम आर्ग्यूमेंट की बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं तो पहली लाइन यही होती है कि आर्ग्यूमेंट कैन बी आइदर वैलिड और इनवैलिड। कोई भी आर्ग्यूमेंट, या तो वो वैलिड माना जाएगा या इनवैलिड माना जाएगा। तो राइट, अगर करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। देखिए सेकंड में बोला हुआ है इट इज नाइदर वैलिड नॉर इनवैलिड, ये गलत है। ऑप्शन थर्ड जो आपका है, इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स की कहीं बात ही नहीं की गई है, वैलिड इनवैलिड की बात की गई है। एंड फोर है आपका, इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर होगा आपका 1, दैट इज इट इज आइदर वैलिड और इनवैलिड। आर्ग्यूमेंट आपका या तो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा। तो ये आपके क्वेश्चंस थे लॉजिकल रीजनिंग के। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो भी लॉजिकल रीजनिंग के मैंने पार्ट करवाए हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो आए हुए थे वो मैंने यहाँ पे कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिसंबर के कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।